आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर। लाडवा में 18 मार्च से शुरू होने वाले नवरात्रों और 19 मार्च से 6 अप्रैल तक 8 दिवसीय देवी के मेले को लेकर लाडवा नगर पालिका कार्यालय में माता बाल सुंदरी मंदिर के बाहर लगने वाली प्रसाद की 6 दुकानों के प्लांटों की आज खुली बोली लगवाई गई। इस पूरी प्रक्रिया की अगुवाई लाडवा तहसील के तहसीलदार हरीश कालड़ा ने की। ऐसा है, नगर पालिका लाडवा के क्षेत्र में श्रीमद भगवती माता बाला सुंदरी मेले के प्लाटों की नगर पालिका के कार्यालय में नीलामी की गई है, जिसमें मैंने उपायुक्त कुरुक्षेत्र के प्रतिनिधि के तौर पर भाग लिया है। इसमें टोटल 6 दुकानें हैं, जिसमें प्लाट नंबर 1 में 1, 2, 3 नंबर दुकान की नीलामी अधिकतम 55,000 रुपये में गई है और 4, 5, 6 नंबर दुकानों की बोली 45,000 रुपये में गई है। टोटल ये तो ठेकेदारों के इंटरेस्ट पे निर्भर करता है। और अब पिछली बार का जैसे कि उन्होंने ठेकेदारों ने बताया उनका कोई नुकसान रहा होगा, उसकी वजह से थोड़ा सा कम गई है। और कुछ उन्होंने बताया कि वहाँ पे सड़क भी चौड़ी हुई है, जिसकी वजह से प्लॉट की जगह थोड़ी कम हुई है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा कम गई। इस बोली के दौरान लाडवा क्षेत्र के 8 दुकानदारों ने नगर पालिका कार्यालय में जमानत के तौर पर 5-5 हजार रुपए की राशि जमा करवा कर प्रसाद की दुकानों के प्लांटों की बोली में हिस्सा लिया। प्लांट नंबर 1 से 3 तक प्लांटों की बोली 25,000 से शुरू होकर 55,000 रुपए में राजेश कुमार नामक दुकानदार के नाम हुई। लगा रहे जी 18-20 साल से 55,000 रुपए में। कितने दिनों के लिए लिया है ये? नवरात्र पहले नवरात्रे से हर मेले तक है ये। नगर पालिका तो जगह जगह देवेगी जी, और क्या देवेगी जी। ये जगह की बोली है जी, इसके बहू जी सारे इकट्ठे में गए थे आपस में खुंद बाजी हम। पिछले साल जो डबल रेट में गई थी अरीब की बार, पिछले बार इकट्ठे में रहे अपने आप सर तक हो रहे दुकानदार 45,000 में। वो जो पिछला जिनने 88 की ले रखी थी, जो बाहर की पार्टी थी करनाल की, उन्हें पतन था, उसने पैसे घट गए यहाँ पिछली बार, तो इस करके वो मौके पर बोली दे नहीं पाया। आपको बता दें कि इन्हीं 3 दुकानों के प्लांटों की बोली 90,000 रुपए में छूटी थी, जो कि इस बार काफी कम दाम में दुकानदारों ने अपने नाम की है। वहीं कहीं न कहीं मंदी की मार के कारण नगर पालिका कार्यालय को इस बार दुकानों की बोली कर काफी नुकसान उठाना पड़ा। वहीं प्रक्रिया पूरी होने के बाद दुकानदारों को सभी नियम कानून मौके पर बताए गए। इतना ही नहीं, दोनों दुकानदारों से प्लांटों की राशि भी मौके पर ही पूरी कर जमा करवाई गई। सत्य खबर के लिए लाडवा से नरेश की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।